अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी जो इजी से बनाते हैं घर पे। इसके लिए हम चिकन मैरिनेट करने के लिए इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया मैंने चिकन। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा नमक ऐड किया है। अब इसमें मैंने थोड़ी हल्दी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसलिए क्या होता है, चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट होने के लिए अंदर अंदर तक, चिकन के अंदर तक उसकी जूसीपन रहेगा, वरना चिकन फीका फीका रहेगा। इसीलिए इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 आवर के लिए छोड़ दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब ये 1 आवर के लिए मैं इसको रख दूंगी। हमें बिरयानी के लिए जो मसाले चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 4 ऑनियन लिया है, टमाटर लिया है और हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, पुदीना और इसमें मैं लेमन जूस, मैं इसमें गार्लिक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट यूज़ की हूँ और ये मायोनेस है, सच मायोनेस और ये कर्ड। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला इसमें है। देखिए मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। मायोनेस इसलिए कि मायोनेस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। आप एक यकीन मानिएगा, आप ट्राई कीजिए, सच में बता रही हूँ मैं, बिरयानी बहुत अच्छे से बनेगी। और मैं एक पतीले में लूँगी, ऑयल ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। देखिए मैंने 3 लौंग, दाल इलायची और दालचीनी लेकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसकी खुशबू तेल में आ ना जाए तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। ऑनियन को ना गोल्डन ब्राउन तक हम इसको भून लेंगे, क्योंकि कच्ची बिरयानी नहीं बनती तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए हम ऑनियन को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत देर लगाती है। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है हमारी प्याज का। अब ये पिंकिश हो गई है। जब तक ये फ्राई नहीं हो जाती तब तक मैं अपने चावल धो लूंगी बिरयानी के। तो बिरयानी के चावल धो के फ्राई कर लूंगी, सॉरी फ्राई नहीं, धोकर एक जगह रख लूंगी। तो चावल भीगे हुए चावल बहुत अच्छे बनते हैं बिरयानी में। तो थोड़ा जब तक हमारी प्याज और चिकन जब तक फ्राई नहीं हो जाता, हमारी यखनी नहीं बन जाती, तब तक हम चावल धो के भीगने रख देंगे। देखिए अब हमारी प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गई है, उसका कलर चेंज हो रहा है अभी। देखिए हमारे चावल भीगने के लिए मैंने रख दिए। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। देखिए अच्छे तरीके से हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन के पेस्ट में भी बिरयानी बहुत अच्छी आती है। ये नहीं कि आपको अदरक लहसुन ही चाहिए करके बोल के, लहसुन के पेस्ट में भी बिरयानी बहुत अच्छे से बनती है।
इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा नमक। नमक ऐड करने से क्या होता है, टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसीलिए मैं टमाटर पे नमक ऐड कर देती हूँ जल्दी गल जाने के लिए। मैं मसालों के बाद नहीं डालती क्योंकि टमाटर जल्दी गलने के लिए मैंने पहले ही नमक डाल देती हूँ। देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गलना स्टार्ट हो गए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसमें हम ऐड कर देंगे पुदीना, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी लेमन जूस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, जो धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला था उसको ऐड करके अभी हम उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, जो मैंने 1 कप लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा मेयोनेज। इन दोनों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। नमक आप देख के डालीजिएगा क्योंकि आप अपने में भी नमक डालेंगे, चिकन मैरिनेट के लिए भी नमक डालेंगे, तो आप चेक करके आपके स्वाद के हिसाब से आप नमक डालीजिए। देखिए हमारा अखनी अच्छे से पक रही है। अभी तेल हमारा खड़ना शुरू हो गया है अखनी में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अब चिकन को डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से बिरयानी, जो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से बनती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसे कस्तूरी मेथी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पक रहा है अभी। अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गलने के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। तब तक हम अपने चावल उबाल लेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया मैंने। इसमें हम कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करके बिरयानी का चावल हम इसका पका लेंगे। जब तक हमारा चिकन गलता है तब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे।
कढ़ाई में ढक दूंगी चावल को उबालने तक। उबालने तक हम इसको रख लेंगे। देखिए इसमें अब ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑयल ऐड करने से चावल एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, तो इसीलिए हम ऑयल ऐड कर उसको मिक्स कर देंगे। अखनी हमारी रेडी हो रही है, अखनी अच्छे तरीके से पक रही है। अभी एक बार हम इसको बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि अखनी नीचे से पकड़ेगी, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएगी अखनी, तो इसीलिए थोड़ा बीच बीच में चलाते रहिएगा। चिकन जल्द से जल्द गल जाता है, तो आप ज़्यादा मत गलाएगा, क्योंकि बिरयानी निकलते वक्त अपना चिकन फूट जाएगा। देखिए चावल में हमारे उबाल आ चुका है अच्छी तरीके से, अखनी भी हमारी रेडी हो गई है। अभी देखिए तेल खड़ना शुरू हो गया है, इसका तेल हम निकाल लेंगे। ये बताती हूँ प्रोसेस क्या करती हूँ मैं इसमें इसका, तो मैं इसका तेल जो है ऊपर का जो मैं निकाल लूँगी। देखिए अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे छन्नी की मदद से, नीचे अखनी रहेगी ऊपर में हमारे चावल रहेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। देखिए अभी जो मैंने वो तेल निकाल कर रखा था, मैं बिरयानी के ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। इससे क्या होता है, हमारा चावल के अंदर तक बिरयानी के ऊपर से तेल डालने से नीचे तक अच्छे तरीके से कलर हमारी बिरयानी का ऑब्जर्व हो जाएगा। तो मैं नीचे से एक ऐसे चला दूंगी, क्योंकि हमारे चावल थोड़े से नीचे तक जाने के लिए। अब उसको क्लीन से मैं अब इसको दम होने के लिए रख दूंगी। इसको 5 मिनट्स लगता है दम होने के लिए चावल, जब तक हम चटनी बना लेंगे। बना चुकी हूँ मैं, मैंने कर्ड लिया है दही, उसमें मैंने प्याज ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और मैंने नमक, और उसमें मैं अनारदाना यूज़ की हूँ। बस बिरयानी के लिए उतनी चटनी काफ़ी है। हमारी बिरयानी अच्छे तरीके से दम हो चुकी है। अभी मैं एक बॉल में एक प्लेट में निकालूंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त यम्मी यम्मी कर रही है बिरयानी, बहुत अच्छी बनी है बिरयानी ये। देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी सी है। मुझे वीडियो लाइक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।